गाइस, सो अभी हम लोग आज बनाने वाले हैं, आप लोग सोचोगे रोज कुछ ना कुछ बनाते हैं. सो आज हम लोग बनाने वाले हैं कबाब. अभी बनाएंगे हम कबाब ब्रेकफास्ट में, एंड लंच का फिर देखते हैं क्या करना है. तो अभी हम बनाएंगे कबाब, बट उससे पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है मॉर्निंग टी. सो मैं अभी सबसे पहले अपनी चाय पीऊँगी, एंड उसके बाद फिर अगला देखते हैं क्या करना है. सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद.
सो अभी हमने कबाब खा लिया है, कबाब बहुत अच्छे बने थे और उसे हमने चटनी के साथ खाया है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, घर पे बना सकते हो राजमे को थोड़ा सा पीस पीस के, वो मैंने आपको रेसिपी बताई, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। सो इस टाइम हम सोच रहे हैं लंच में क्या बनाएं, तो अभी हमारे पास कबाब का थोड़ा पेस्ट है, सो हम उसी के साथ कुछ करेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं कुछ करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर देखूंगी कि आप लोगों ने मेरे नए वाले व्लॉग को कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है, कितना ज़्यादा लाइक किया है। अगर आपने मेरा नया वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल पर देखिए नया वाला व्लॉग, और आज का व्लॉग भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर मिलेगा आपको। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमने ब्रेकफास्ट में कबाब खाए हैं एंड उसके बाद अब हम लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो कबाब जो हमने बनाए थे वो राजमा के कबाब थे, उसमें हमने थोड़ा बेसन का आटा वाटा मिलाया था, मैंने आपको दिखाया था। सो मैंने उन्हीं को अभी ये गोल गोल करके इनकी बॉल्स बना ली हैं, और अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, ग्रेवी में ही कबाब को डालेंगे। इससे कि क्या होगा कि जो हमारा कबाब है वो यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस जो पेस्ट था उसी को हमने थोड़ा सा चावल का आटा मिला के उसके गोल गोल मोदक बना लिए हैं और अब उसी को उसमें डालेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। गाइस, कैसे हैं आप सब? आज काफी दिन बाद हम लोग दोनों साथ में खा रहे हैं एक थाली में। बहुत टाइम बाद, मतलब शादी के बाद खाते थे, उसके बाद बहुत टाइम से नहीं, इतना भी टाइम नहीं हुआ शादी। हाँ। काफी दिन हो गए, काफी दिन बीच में एक दो बार खाया भी होगा, किसी पार्टीज में हम लोग जाते तो खाते हैं, वहाँ तो साथ में ही खाते हैं एक ही प्लेट में। हाँ, एक्चुअली लॉकडाउन के चलते ये घर में है तो इसलिए हम साथ में खा ले रहे हैं, वरना तो इनका टाइम बहुत अलग है। मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अभी ये मेरी फोटो खींचने से मना कर रहे हैं, मैं इनको बोल रही हूँ चलो मेरी फोटो खींच दो। धूप में कौन छत पे जाके फोटो? तो क्या यही तो एक हार्ड वर्क होता है, जैसे ब्लॉग के पीछे मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ। पापा बोर हो रहे हैं, तेजा में मुंह बोल ले जाके। हैं? बोर हो रहे हो ना, तेजा में मुंह बोल ले जाके, आ जाएगी ताजगी एकदम। नहीं सैनिटाइजर पी लो जाके। कोई अपने लड़के से ऐसे तो नहीं बोलता होगा जैसे तुम बोल रहे हो। मैं लॉकडाउन में पागल हो चुका हूँ। सुबह लड़ाई कर रहे हो मम्मी से, गुस्सा बच्चों में निकाल रहे हो, बता रहे हो पगला गए हो। पगला तो गईया है, और जब कल सैर पे निकले तो लठ भी पड़े। कहाँ? पिछवाड़े पे। वो पूछ रहा बाहर कहाँ कौन जगह पड़े थे लठ, अंग नहीं पूछ रहा जो खुले आम बताए जा रहे हो पिछवाड़ा। अंग ही पूछ रहे अंगद महाराज। सब तुम्हारे बिगाड़े लड़के हैं, देख ले हो, प्रसन्न हो ले हो, थोड़ा ताजगी आ रही कि नहीं, चेहरे पे चमक बढ़ी। हमने शायरी भी बना ली। सुना? पापा गए कल बाड़े पे, लट पड़े पिछवाड़े पे।
Thank you.